Okay, all of you join your hands, close your eyes. We will zoom karan. हाँ नेटवर्क आ रहा साइराम साइराम एवरीवन। हाँ साइराम बेटा, मैं 1 मिनट में रजिस्टर लेकर आ रही हूँ, ठीक है ना। ईवीएस की नोटबुक और टेक्स्ट बुक निकाल के रखी है, ठीक है। मुझे बस ये बताना है किसने कौन सा प्रोजेक्ट नहीं किया है, ठीक है। ओके एंड रखी है। ओके नाउ लिसन, स्टार्ट रीडिंग अ हाउस लाइक दिस, आई विल कम विद इन अ मिनट। ओके पेज नंबर कितना? 116। ओके साईराम, यस मैम, साइराम। लेट मी चेक हु हैज नॉट डन द प्रोजेक्ट वर्क, गिव मी अ मोमेंट। अंकित, अंकित इज देयर इन द मीटिंग? अंकित इज नॉट देयर। ओके नेक्स्ट इज आराध्या भार्गव। आराध्या भार्गव शी इज ऑल्सो नॉट देयर। देन अथर्व भार्गव, अथर्व इज ऑल्सो नॉट देयर। आयुष योगी, अथर्व भार्गव हैज जॉइन। अथर्व अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, बेटा अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है मैंने बट बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड्स वाला प्रोजेक्ट किया है। दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट, दिस इज आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। आई टोल्ड यू ना इन वन क्लास, आई एक्सप्लेन यू दैट दिस इज आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। ये सारे बच्चों को करना है, कंपल्सरी है। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू अथर्व? यस यू आर मैम, नॉट विजिबल टू मी। ये एक पूरा पीरियड मैंने इसलिए किया यस था कि आपको एक्सप्लेन किया था पूरा कि क्या प्रोजेक्ट है और क्यों करना है। अथर्व उस दिन आप क्लास में नहीं थे, पिछले मंडे पूरा एक पीरियड मैंने केवल ये प्रोजेक्ट ही एक्सप्लेन किया था, एक क्लास पूरी की पूरी। आप नहीं थे पिछले मंडे को, लास्ट मंडे मैम मुझे याद है। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। आप पिछले मंडे क्लास में थे? मैम मुझे याद नहीं। याद नहीं है बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। बाकी बच्चे भेजते जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है ना व्हाट्सएप पे कि बाकी बच्चे क्यों भेज रहे हैं।
कंपलसरी प्रोजेक्ट भी तो सबको करना है, ठीक है ना? ओके मैम. नेक्स्ट इज अंकित हैज जॉइंड, येट ही इज नॉट जॉइंड. आयुष इज नॉट देयर. चेतना, चेतना आर यू देयर? चेतना इज आल्सो नॉट देयर. कबीउद्दीन, कबीउद्दीन अनम्यूट योरसेल्फ. कबीउद्दीन, yesterday I have sent few corrections yesterday. I sent in class. Have you done it? Yes. Okay. जो ज्यादा आप लोग इरेज करके वो स्केच पेन से मुके ना डार्क, उसको थोड़ा व्हाइटनर या व्हाइट कलर लगा दो, अच्छा नहीं लग रहा है वो, ठीक है? Okay. है ना, व्हाइटनर या व्हाइट कलर कुछ लगा दो क्योंकि वो विजिबल हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा बेटा. बाकी आपने लिखा बहुत सुंदर है, इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है, बस जो आपने थोड़ा सा सिस्टमैटिक और कर देते हैं तो और अच्छा लगता है. कोई बात नहीं, जो डार्कनिंग डार्कनिंग पोर्शन है उसको या तो व्हाइटनर या कुछ व्हाइट कलर लगा के उसको हाइड करो ताकि वो विजिबल ना हो. ओके ठीक है. नेशनल गेम एन शुड बी कैपिटल. As well as I told you something, trophies, spelling of trophies, that you have to correct. Have you done that? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Next is कबीउद्दीन के बाद मुझे किसने नहीं दिया है? ललित ने दिया है, लेकिन ललित का कुछ काम अच्छा नहीं लगा मुझे. ललित आप हो क्या मीटिंग में? ललित नहीं है. इसके बाद है मुकुंद. मुकुंद अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. आप बहुत दिनों से क्लास नहीं अटेंड कर रहे थे मुकुंद? Yes, ma'am. लास्ट वीक मैम एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा का मोबाइल खराब, इसलिए मैं क्लास नहीं कर पाया था. दो तीन दिनों बाद ही है ना मोबाइल आया था पापा का. हाँ, मैं आपको बता दूं आप क्लास में नहीं थे. आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट मैंने सब बच्चों को दिया, मैंने देखा होगा सबमिट कर रहे हैं. आपको गेम्स के ऊपर कुछ बना सकते हो या फिर किसी प्लेस के बारे में. आवाज नहीं आई बेटा, नेटवर्क आपकी तरफ अब आ रही है. एक मिनट रुक जाओ. नाउ एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम. एम आई ऑडिबल? ओके. लिसन, आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट सारे बच्चों को कंप्लीट करना है. इसमें मैंने टॉपिक दिया है गेम्स, ठीक है? आप इसमें किसी भी एक गेम को लेकर उसके बारे में या तो इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं या स्टोरी लिख सकते हैं या पोम लिख सकते हैं. दैट इज योर चॉइस. Is it clear? A4 sheet पे अच्छे से डेकोरेटिव कलरफुल वे में बनाना है. हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी पोम लिख सकते हो, ठीक है? या प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो तो उनको अच्छे से, उनकी कोई पिक हो आपके पास तो उसको पेस्ट करके उन इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट भेजे हैं, देखा होगा ना आपने? और कोशिश करना कि कैरम, लूडो, क्रिकेट ये सारे थोड़े से ना लो क्योंकि इस पे बहुत सारे बच्चों ने किया है काम. कुछ अलग सोच के करो, ठीक है? इज इट क्लियर? थोड़ा सा देख लेना बच्चों के प्रोजेक्ट्स, बट ये है कि रिपीट ना हो टॉपिक बार बार, सेम टॉपिक, ठीक है? इज इट क्लियर मुकुंद? यस मैम. ओके ओके. तो ये आपको, अब आप 3 days का टाइम ले लो क्योंकि आप नहीं थे तो आपको पता नहीं था. 3 days में आपको कंप्लीट करना है. तो आपने गूगल फॉर्म भी कंप्लीट नहीं किया होगा. मैंने गूगल फॉर्म लिया था लास्ट वीक, आप नहीं थे उसमें. नो मैम, आपका वो मिस हो गया है. आज आप रेडी हो? यस मैम. कि मैं आपका वेंसडे को ले लूं? ओके मैम. मैम मुकुंद, वेंसडे को आओगे ना?
ma'am. You are not audible, ma'am. Okay, then I will conduct your Google test on Wednesday. Okay, email ID अपने पास में रखना, ठीक है? Okay, now mute yourself. पूर्ति, पूर्ति ने भेजा तो है, लेकिन पूर्ति का भी ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करते हो आप लोग. यज्ञ, यज्ञ अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. कोई भी काम ऐसे मत करो कि मैम को देना है इसलिए किया. पूर्ति यज्ञ, आपने इतना छोटा छोटा लिखा है कि मैम चश्मा पहन के भी पढ़ नहीं पा रही है. बेटा इतना छोटा क्यों लिखना है कि मैम एक और चश्मे के ऊपर चश्मा लगा ले. एक तो मैम व्हाट्सएप पे पढ़ रही है, ऊपर से आप इतना छोटा लिखोगे तो मैम कैसे पढ़ेंगी बताइए जरा. आपको थोड़ा राइटिंग ऐसे लिखनी चाहिए कि मैम को विजिबल हो. कलर्स भी ऐसे यूज करो जो डार्क हो. लाइट कलर, येलो कलर यूज करोगे लिखने में तो मैम को पढ़ने में बहुत मुश्किल है. हमारे हाथ में कॉपी या चार्ट नहीं है आपका, हम व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं उसको जूम करके. बहुत मुश्किल होता है हमको पढ़ना. तो आप थोड़ा सा मैम की आंखों का ख्याल रखते हुए कलर्स यूज करें और अपनी राइटिंग का साइज भी वैसा ही रखे थोड़ा सा कि मैम आसानी से पढ़ सके. फिर मैम कैसे करेक्शन करेंगी. मैं तुम्हारा कुछ भी करेक्शन नहीं कर पाई अज्ञा, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाई तुमने क्या लिखा. इतना छोटा छोटा लिखा था तुमने. यू हैव टू डू इट अगेन. इज इट क्लियर टू यू अज्ञा? यस मैम. इसीलिए मैं बोलती हूँ नीट एंड क्लीन लिखो, बहुत पास पास वर्ड्स मत लिखो, थोड़ा दूर दूर अच्छे से लिखो, है ना, जिससे कि मैम को पढ़ने में आसानी हो. बेटा एक्चुअल वर्क हमारे हाथ में नहीं है, हम व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं तो हमें भी बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में. यज्ञ फिर से आपको करना पड़ेगा. और पूर्ति तुम्हारा भी काम कुछ ऐसा ही रहता है, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क नहीं रहता पूर्ति तुम्हारा. बाकी सारे बच्चों का मेरे पास आ चुका है. अंकित, आयुष, चेतना, ये लोग तो कुछ देते ही नहीं है. इन लोगों को लगता है कुछ भी काम नहीं करेंगे फिर भी हम अगली क्लास में चले जाएंगे. एक आराध्या भार्गव, वो भी अभी तक है नहीं थे क्लास में. आराध्या भार्गव नहीं है. आराध्या भार्गव ने भी अभी तक कुछ नहीं दिया मुझे. शिवांश आपका मिल गया. कैरम के ऊपर लिखा था ना शिवांश. हैंडराइटिंग कितनी बिगाड़ ली है घर पे रख के रहकर. पहले तो हैंडराइटिंग तुम्हारी ठीक थी, अब कैसे लिख रहे हो तुम आजकल. एक साल क्लास स्कूल में नहीं आने से बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गई है. स्कूल में जो जो अच्छा लिखते थे वो भी खराब लिख रहे हैं सब. मैडम क्या इसका टेस्ट है? मैंने वो नाइट में लिखा था. समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो? वो मैंने नाइट में लिखा था. तो नाइट में तुम्हारे घर में अंधेरा था, लाइट नहीं थी, दिन में लिख देते. इतने कौन सी जल्दी हो रही थी कि तुम मेरी आंखों का टेस्ट लिए जा रहे हो. थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए ना. हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमको उसके नंबर मिलेंगे तो हमें काम कैसे करना चाहिए. अच्छे से करना चाहिए ना. चलो ठीक है, आई गॉट योर प्रोजेक्ट. ओके, आराध्या भार्गव हैज जॉइंड. आराध्या भार्गव अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. आराध्या भार्गव, आपने अभी तक आर्ट इंटीग्रेशन वाला गेम्स के ऊपर कुछ भी सबमिट नहीं किया. आपको नहीं भेजना क्या सीबीएसई को अपना प्रोजेक्ट? सारे बच्चों का आ गया मेरे पास, आपका नहीं आया. अथर भार्गव का नहीं आया. आप लोगों को नहीं भेजना है? भेजना है. भेजना है तो कब भेजना है बेटा, कब करोगे? एक वीक हो चुका, एक वीक का टाइम दिया था मैंने. आपको पता है ना टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है बताइए. मैम मेरा टॉपिक चेस है. चेस पे आप कर रहे हो तो कब रखोगे आप? अच्छी बात है आप चेस पे कर रहे हो. बहुत कम बच्चों ने किया है, सिर्फ आराध्या राठौर ने किया है चेस. नहीं, आराध्या राठौर नहीं, लखन ने किया है चेस के ऊपर. लेकिन लखन ने येलो स्केच पेन से लिखा है तो मैम अच्छे से पढ़ नहीं पाई उसको. फुटबॉल मैम, फुटबॉल. फुटबॉल के ऊपर भी किसी ने नहीं किया, कर सकते हो. ठीक है ना. चेतना अनम्यूट योरसेल्फ. थर्टी बच्चे हैं अभी तक, सिर्फ 21 बच्चों के नाम दिख रहे हैं. चेतना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो ध्यान से सुनो. सिर्फ क्लास में आने से कुछ नहीं होगा. पिछली बार में मैंने आपको बताया था जो भी काम मैम बता रही उसको करना ही पड़ेगा चेतना, नहीं तो आपके रिपोर्ट कार्ड में 00 नंबर आएंगे. चेतना, आप ना पहला वाला प्रोजेक्ट नहीं भेजा, अभी आर्ट इंटीग्रेशन वाला प्रोजेक्ट भी आप नहीं भेज रही हो.
आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मैं क्लास में आ जाऊंगी तो मैं अगली क्लास में चली जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट वर्क मैम दे रही है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको मैंने बोला था ना कि बॉडी पार्ट्स के ऊपर, बर्ड के बॉडी पार्ट्स के ऊपर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है और कुछ बोलना भी है जो जो आपको समझ में आया है। मेरी आवाज आ रही है ना? आपने व्हाट्सएप पे मैंने जितने वो बॉडी पार्ट्स की पिक्चर भेजी थी जब आप नहीं थी क्लास में, आप मिली हो तो आप उसको ड्रॉ करो, उसको लेबल करो और उसको एक्सप्लेन करो मेरे सामने, या उसका छोटा सा वीडियो बना के भेजो एक्सप्लेन करते हुए कि ये बॉडी पार्ट्स है, इतना ही बोल दो, दो लाइन तो कम से कम बोल दो बेटा, ये तो मैं कैसे नंबर दूंगी। अभी तक मैं तुम्हें किसी भी इसमें नंबर नहीं दे पा रही हूँ जितना, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी प्रूफ नहीं है मेरे पास कि तुमने क्या काम किया। अभी आप पिछले हफ्ते से क्लासेस ज्वाइन कर रही हो तो उसके साथ में कुछ काम भी शुरू करो, ठीक है? अदरवाइज यू विल गेट जीरो इन ऑल द प्रोजेक्ट्स। गूगल फॉर्म भी आपने किया नहीं पिछली बार, क्यों नहीं किया चेतना? गूगल फॉर्म भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको चेतना? क्या प्रॉब्लम हुई थी बताओ, तभी तो मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगी बेटा। क्या प्रॉब्लम हुई थी, गूगल फॉर्म क्यों नहीं करा आपने? अनम्यूट करो और आंसर करो बेटा कि गूगल फॉर्म आपने सॉल्व क्यों नहीं किया पिछले वीक मैंने जो लिया था। आपको कैसे मैं नंबर दूं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ में। क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको वो बता दो मुझे। चलो लास्ट में रुक के 2 मिनट बात करूंगी चेतना आपसे, ठीक है? ओके नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। अच्छा हाँ, तुम्हारा वापस आ गया था ना, मुझे एक मिनट में बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। लास्ट में बताओ कि अभी सबके सामने बताओ। मैम मेरे बता दीजिए, मुझे भी नहीं मिले थे मार्क्स केवल भव्यांश का और सिद्धि का आया है। चेक योर ईमेल फर्स्ट। हाउस लाइक दिस टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। मैम मेरे मार्क्स बताती हूँ, मैं बैच बताती हूँ बाद में, ओके मैम? फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स, ओके? हाँ बबेश, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Any four types of houses? Houses, house नहीं है, houses. Can you answer this question? आपके पास अपनी EVS book भी है ना? Answer बताइए इसका। EVS textbook का help ले सकते हो। Any four types of houses? मैम लकड़ी के भी होते हैं और मैम कुछ मैम टेंट आते हैं तो मैम उनमें कपड़े भी यूज होते हैं। मैम टेंट मैम लकड़ी के भी होते हैं। हाँ साथ में बता रही हूँ। ओके लेट मी टाइप फर्स्ट टेंट। मैम इग्लू। नेक्स्ट मैम इग्लू। इग्लू मैम इग्लू। इग्लू मैम हाउस। नेक्स्ट हाउस बोट। मैम पक्का हाउस। हाउस बोट। मैम पक्का हाउस। हाउस बोट। मैम पक्का हाउस। मैम पक्का हाउस। हाउस नहीं नहीं हो सकता। मैम हाउस। मैम पक्का हाउस। एक्चुअली हाउस। Somebody said hut. Is it okay? Yes. No, I will send it. Ma'am, my we will go to the next.
Now others please mute Abhyuday and mute. Others please mute Abhyuday and mute. बेटा मैं इसको क्लास व्हाट्सएप में बाद में भेजूंगी, ठीक है ना? अब उधर रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. अभिदय इज नॉट देयर. ओके आदित्य लोधा अनम्यूट योरसेल्फ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. आदित्य लोधा ओके बहुत टाइम वेस्ट करते हो ऐसे. चलो नेक्स्ट. हु इज दिस? मैम चिन्मय. हाँ चिन्मय रीड दिस क्वेश्चन. चिन्मय रीड दिस क्वेश्चन. एनी फोर मटेरियल्स नीडेड टू अ कंस्ट्रक्शन हाउस. टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस. आपको दिख रहा है अच्छे से कि नहीं दिख रहा बेटा? मैम छोटा दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है ना? फिर आप कैसे क्वेश्चन पढ़िए. एनी फोर मटेरियल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस. ओके कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मैम अभ्युदय. We need to construct a house with cement, steel. एक मिनट. कौन सारिया? अभी आ ये बीच में कौन बोल रहा है अभी तक? अभी आप शांत रहिए. अब उसको आंसर. डीटो. सीमेंट, आयरन, ब्रिक. नेक्स्ट. ब्रिक्स. Next. And mud. Iron. बेटा उसको कंप्लीट करने दो अपना आंसर. And mud. Mud. Okay. Okay fine. Mute yourself. Now up you there. Unmute yourself and do the next question. Stone is also correct beta, but here it is written four. So we have written here four answers. Abhyuday, next question. Abhyuday ka naam le lo to Abhyuday unmute. Things. Bolo. Ma'am, things that are used in making a tent. Make. हाँ. टेंट बनाने के लिए जो चीजें चाहिए उनके नाम बताइए. मैम लकड़ी. टेंट. टेंट. मैम रस्सी. कील. यस रो. रस्सी मीन्स रो. मैम कपड़ा. कील मीन्स मून. मैम पेग्स. एंड वन मोर थिंग. मैम क्लॉथ. क्लॉथ. मैम कपड़ा. वेरी गुड. मैम कप. क्लॉथ मतलब कपड़ा ही होता है. रो. क्लॉथ. पेग्स एंड नेल्स. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू अभी तो म्यूट योरसेल्फ. गौरव अनम्यूट योरसेल्फ. गौरव गौरव आराध्या राठौर. आराध्या राठौर. मैम आए. हु इज दिस? मैम अलीना. ओके अलीना रीड. टू टाइप्स ऑफ हाउस दैट कैन बी सीन इन बिग सिटी. ओके कैन यू नेम टू हाउसेस that we can see in big cities, metro cities? Multi-store building. Yes, very good. Multi-storied building. One more. Ma'am, houses, ma'am, houses, big city,
house. Ma'am, can I answer this question? Ma'am, bungalow. Yes, bungalow, correct answer. Next is bungalow. ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आराध्या भार्गव, अनम्यूट योर सेल्फ एंड रीड द फर्स्ट वन। Write film sentences about the following house. Yes, igloo. What do you know about igloo? आप पहले सोचे igloo के बारे में आपको क्या पता है? मैंने Have you seen the picture of? Yes, ma'am. I have seen the picture of igloo. Igloo is a ice house. Ma'am. Good, yes, good job, but this is for mute yourself. Let Aradhya answer. Okay, Aradhya, you can answer. What do you know about igloo? It makes ice. It is a house of snow. Yes. And anything else, Shivansh? What do you know about igloo? This is in North Pole. Shivansh, आपको क्या पता है igloo के बारे में? Ma'am, igloo is a house which is made of ice. It is a house which is made of ice. Very good. Ma'am, igloo is seen in North Pole. Yes, same answer you and Kabiruddin both have given. Okay. Do you know what do we call people who live in igloo? Yes, ma'am. हाँ, बताइए अलीना। People igloo में रहते हैं। उनको क्या बुलाते हैं? उनका भी कुछ नाम है specific. Okay, आराध्या, read the answer. Aradhya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read igloo about igloo. It is written. It is, you can see on my screen. Yes, ma'am. बेटा igloo के बारे में पढ़िए, आपको दिख रहा है स्क्रीन कि नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। ये पढ़ क्यों नहीं रही है? चलो अलीना आप पढ़ लीजिए। अरे बोलना क्या पढ़ना है? A house of north is a similarly house. Semi-circular house. Semi-circular house. Semi-circular house. आपने देखा होगा आपको बोर्ड दिख रहा है मेरा? अलीना मैं बोर्ड देखो ऐसा इस तरीके का शेप होता है, मैं राइट? यस मैम। ये दिख रहा है आपको अच्छे से? यस। इज इट विजिबल? यस। सर्कुलर शेप, ऐसा शेप है ये, सेमी सर्कुलर, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर। इस शेप को क्या कहते हैं? सेमी सर्कुलर, मतलब सर्कल नहीं है ये, आधा सर्कल है। इग्लू इज इन सेमी सर्कुलर शेप। ओके, यस। एंड एस्किमोस
इन दिस टाइप ऑफ हाउस. ये दूसरे किसका भी माइक म्यूट है, अनम्यूट करो जरा, म्यूट करो जरा, डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका भी है. लखन म्यूट करो, लखन म्यूट करो. अभी बेटा म्यूट करो, आपकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है. आपको दिखाई दिया ना मैंने, तो ये इग्लू का ऐसा शेप होता है, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर. ठीक है. एंड एस्किमोस लिव इन दिस टाइप ऑफ हाउस. जो लोग इनमें रहते हैं उनको बुलाया जाता है एस्किमो. क्या हो एस्किमो? एस्किमोस. हाँ, एस्किमोस कौन है? जो लोग इग्लू में रहते हैं उनको बोला जाता है एस्किमोस. एम आई ऑडिबल? लाउड एंड क्लियर मैम? ऐसा भी होता है ना इग्लू? जीविका आपको दिखाई दिया? हाँ, तो देखिए उसका पीछे का शेप कैसा है, ऐसा है ना? पूरा सर्कल है क्या? ये पूरा सर्कल है क्या? नहीं है, सर्कल है, इसलिए सेमी सर्क्यूलर. इज इट क्लियर जीविका? सेमी सर्क्यूलर क्यों बोला है? लेट जीविका आंसर. कभी उद्दीन प्लीज वेट. जीविका आपसे कुछ आंसर चाह रही हूँ मैं. सेमी सर्कुलर का मतलब आपको समझ में आया क्या बेटा? मैम नो, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है मैम. आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है? ये बोर्ड दिख रहा है? यस मैम, आई कैन सी योर बोर्ड. ये देखिए, ये इस तरीके का शेप होता है. क्या ये पूरा सर्कल है क्या? नो मैम. है ना? आधा. अलीना प्लीज कीप क्वाइट. ये आधा सर्कल है ना? तो इस तरीके का इग्लू बना रहता है. आपकी बुक में आप जरा देखिए जीविका, इग्लू बने, इग्लू की पिक्चर होगी. ओके मैम, आई कैन. मैं आपको पेज नंबर बता देगी. अलीना पेज नंबर सर बता दो बेटा. मैम 122. मुकुंद वेट, जीविका को देखने दो. जीविका मिल गया आपको? मैम 2 मिनट्स. देखो ये आपको अलीना दिखा रही है, देखो आपको दिख रहा है वीडियो में. मैम 120 ना पेज नंबर? वो मुझे नहीं पता, तुम वीडियो में देखो. अलीना भी दिखा रही है आपको, उसका शेप देखो. 122. जीविका आपको मेरी पिक्चर दिख रही है जो मैं दिखा रही हूँ? यस अलीना, लेकिन मेरे में झोपड़ी बनी हुई है. झोपड़ी बनी हुई है? यस मैम. आप ढूंढो जीविका, हाथ में पूछना मुझसे. चलो म्यूट योरसेल्फ जीविका. मैम मुमितांशनी, have you understood what is the meaning of semicircular? बेटा ढूंढना पड़ेगा. अब बुक बंद करके बैठोगे तो कैसे होगा? ढूंढिए इग्लो के पिक्चर उसमें. अभी अलीना भी आपको दिखा रही है, फिर भी आप ढूंढ नहीं पा रहे हो. अपनी बुक में ढूंढो. मुमितांशनी unmute yourself and have you understood the meaning of semicircular or no? Yes ma'am. आपको मिली पिक्चर, इग्लू की पिक्चर मिली आपको बुक में मोहितांशिनी? यस मैम. कैन यू शो इट टू जीविका? यस मैम. इन योर कैमरा. हाँ सबसे ऊपर वाली, वेरी गुड मोहितांशिनी, वेरी गुड. उसका शेप जो है वो सेमी सर्कुलर, यानी पूरा सर्कल नहीं है, इसलिए उसको बोला है सेमी सर्कुलर. इज इट क्लियर नाउ जीविका? आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. यस मैम, आई आई हैव क्लियर. और जो लोग उनमें रहते हैं उनका नाम होता है एस्किमोस. अब एस्किमोस ये मत सोचना कोई बाहर से आए हुए कोई और लोग होते हैं, उनको ही बोला जाता है एस्किमोस. ओके नाउ मुकुंद, अनम्यूट योरसेल्फ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. यस मैम. It is a mud
house. Is it visible to you, Mukund? My house. मैम जीविका को मिल गया पेज. आपको उसका डिफरेंस समझ में आया? उसको सर्कुलर क्यों नहीं बोला, सेमी सर्कुलर क्यों बोला, वो समझ में आया जीविका? यस यस मैम. मुकुंद आप अनम्यूट कीजिए और मड हाउस के बारे में पढ़िए. आपने म्यूट कर रखा है. यस मैम. अनम्यूट योरसेल्फ मुकुंद एंड रीड अबाउट मड हाउस. The walls of this house are thick. These walls are plastered with mud. The roofs. Are made of thorny bushes. Now Utkarsh, unmute yourself and tell me, where do we find mud houses? Utkarsh, mud house. Where do we find mud houses? In which area? Villages. Do you have your textbook? You can. I can tell. Villages. No, wait. No. Refer to your textbook and find out, Utkarsh. Sanvi. Yes, Sanvi. In the south. Ma'am, where are scarcity of water? In which place? You have to name the place. Anybody? Yathart? Ma'am, Alina. No, Alina, wait. Yathart? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We know which place we find mud houses. In which place? Apna apna text kholo. Huh? Ma'am, kholi. मैम बैठे हो क्या? सिर्फ ढूंढ उसमें कि मड हाउस के बारे में किस जगह में लिखा है. मैम राजस्थान. हाँ शिवांश, मोहित अंशनी बता रही. चलो मोहित अंशनी. वाटर स्कर्सिटी ऑफ राजस्थान. हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? राजस्थान में अच्छे से एक्सप्लेन दिन कि राजस्थान में मर्जिस क्यों होते हैं. लखन जिसका नाम लो वही चुप हो जाता है. लखन नहीं बोल रहा है. अनिरुद्र, आज अनिरुद्र बिल्कुल शांत है. अनिरुद्र अनम्यूट योरसेल्फ. अनिरुद्र, राजस्थान में मड हाउसेस क्यों होते हैं बताइए. घर नहीं रहते मैम क्योंकि. हाँ भव्याश, लेकिन थोड़ा अनिरुद्र बोलने को बोला. बोलो अनिरुद्र. अभी आप नहीं. अनिरुद्र आप बोलिए बेटा. ओके मैम. मैम क्योंकि वहां पे राजस्थान में सबसे ज्यादा मड होती है. हाँ तो मड क्या करता है? मैंने मड पॉट का एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, याद है? मड पॉट का एग्जांपल दिया था कि हम गर्मी में मड पॉट में पानी रखते हैं क्योंकि मड पानी को कैसे रखता है? मड पॉट ठंडा रखता है. तो इसलिए राजस्थान में मड हाउसेस होते हैं जो कि अंदर से घर को कैसा रखता है? मड ठंडा है ना. तो आपको जैसे ही मैंने मड हाउस आपका तुरंत
होना चाहिए राजस्थान। बहुत देर लगाई अपने आंसर देने में, चलो कोई बात नहीं। मुकुंद अंडरस्टूड बिकॉज यू वर नॉट देयर इन द क्लास लास्ट टाइम। मुकुंद म्यूट योरसेल्फ एंड अदर्स प्लीज म्यूट। यस मैम। Understood about mud house? We find mud houses in Rajasthan, and they are made of mud. They are plastered with mud. The walls are thick, चौड़ी होती है दीवारें, ठीक है? And roofs, यानी उसकी जो छत होती है, roofs. It is made of thorny bushes, यानी जो कांटे वाली झाड़ियाँ होती है, उससे बनी रहती है उसकी roof. Is it clear? Have you seen the picture of mud house in your textbook? आपको पिक्चर मिल गई मड हाउस की? Yes, ma'am. Can you show Mukund? Mukund को दिखाना है क्योंकि Mukund absent है। सब तो present थे मेरी क्लास में। Mukund आप दिखाइए जरा टेक्स्टबुक में। हाँ, अलीना दिखा रही है। देखो अलीना दिखा रही है मड हाउस की पिक्चर। Yes, okay, very good. Now next turn to Anish. Anish, unmute yourself and read about multi-story building. About multi-storied building. It has many stores. Stories, matlab floors. Listen, Anish. It has many stories. Matlab बताने वाली story नहीं. Floors. मैंने आपको बताया था. मेरा board भी शायद आपको दिख रहा है. Look at my board. सबको दिख रहा है क्या board? Yes, ma'am. मुझे यहाँ पता नहीं चलता है board दिख रहा है. Yes, ma'am. दिख रहा है. देखो जैसे मुझे नहीं दिख एक बिल्डिंग है, ठीक है? दिख रही है आपको बिल्डिंग? सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, बहुत सारे फ्लोर्स, उसको स्टोरी फ्लोर है, बहुत सारे। ये तो मैंने कुछ ही ड्रॉ किए हैं। एक फ्लोर पे वन टू थ्री फोर फाइव फ्लैट्स है, ठीक है? ये एक फ्लोर है जिसमें फाइव फ्लैट्स है, इसमें भी फाइव, टेन हो गए, फिफ्टीन। सोचिए आप कितने घर हो गए एक बिल्डिंग में। आया समझ में? तो ये एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव स्टोरीज है, इससे भी ज्यादा होती है। ये मैंने कमी ड्रॉ किया, इससे भी ज्यादा स्टोरीज होती है। हर फ्लोर पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। समझ में आया स्टोरीज का मतलब अनीश? स्टोरीज में फ्लोर्स, ओके? ओके, नाउ यू कैन रीड। It has many stories. It has many stories. We use two stairs, yes, yes, to stairs up and come down. We can see this. हम ऊपर नीचे कैसे करते हैं? या तो हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्टेयर्स का। अगर ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है तो स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो स्टेयर्स से आप नहीं ऊपर नीचे कर सकते। आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? लिफ्ट की, ठीक है? लास्ट लाइन अनीश। वी कैन सी दिस बिल्डिंग इन बिग सिटीज। व्हाई डू वी सी दिस बिल्डिंग्स इन बिग सिटीज? व्हाई अनीश? क्योंकि वहां ज्यादा सिटीज में ही हम, हाँ, पॉपुलेशन इज मोर एंड स्पेस इज लेस। पॉपुलेशन यानी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और स्पेस क्या है? कम स्पेस में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी तो बहुत सारी फैमिलीज उसमें रह सकती है। इज इट क्लियर? क्या प्रॉब्लम है बिग सिटीज में? पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल आर मोर, space is less. ध्यान से सुनना, मैंने आंसर बताया है। In big cities, number of people more and space is less. Okay? Now next question. Yagya.
Yagya, unmute yourself and read the next question. Yes, ma'am. Why houses in hilly areas have sloping roofs? Sloping, इस तरीके से देखो मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से इसको बोलते हैं sloping. Okay? Yagya, am I visible to you? Yes, ma'am. Yes. Now, Yagya, can you answer why houses in hilly areas have sloping roofs? मोहित अंश ने पिछली बार आंसर किए थे. I can. Houses in hilly area. Hilly area. Hilly area. Have sloping roofs. Okay. Roofs. So that rain and snow can slide down easily. Very good. इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा शेप होने के कारण बिल्कुल आसानी से पानी और स्नो नीचे चला जाता है स्लाइड करते हुए, जैसे आप स्लाइड करते हो ना स्लाइड पे से वैसे. Good. Next question to Aradhya Bhargav. Unmute yourself and read the next question. Aradhya Bhargav. Why are houses made on bamboo poles? Why house? Aradhya Rathore, आप पढ़िए. Yes. पढ़ो 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 बेटा. पढ़िए आराध्य पढ़िए. House in hill have. Why are houses made on bamboo pillars where Bhupen lives? Got the question, beta? Look at my cursor. Mil gaya? Yes. Read it. Why are houses made on bamboo pillars where Bhupen lives? Do you know where does Bhupen live? Where they live? You're not clear to me. Is there any network problem in your house? Okay, mute yourself. Aradhya Rathore, do you know where does Bhupen live? Yes, ma'am. In which place? In which place Bhupen lives? Do you know, Aradhya? Can you name it? Question paper wali sheet nahi dekh, matlab question paper ma'am wo questions dekhi nahi hai. Chinmay, wait, let me check whether she was there in the class or she was somewhere else. Aradhya, listen to my question. Yes, ma'am. Do you know where does Bhupen live? Bhupen ka ghar kahan pe tha? ये आपसे पूछा है मैंने, ये तो हमने पिछली बारी लेसन में पढ़ा था और आपके हाथ में टेक्स्ट बुक भी आप देख सकती हो. कौन सी जगह में हाउसेस बैम्बू पिलर्स के ऊपर होते हैं, याद कीजिए. भव्यांश, भव्यांश डू यू नो? भव्यांश, ओनन विलेज. Yes, ma'am. Ma'am. Bolan village कहाँ पे है, भव्यांश? Ma'am, do you know where does Bhupen live? भव्यांश बताने दो, भव्यांश को. आप आराध्य बहुत समय ले रही हो. Ma'am, मनाली. Bolan village. असम में. मनाली. मनाली. No, Bolan village मनाली में होता है. Ma'am, असम. Bhupen कहाँ पे रहता है? Ma'am, असम. Alina, you have to wait. Did I ask you? I'm talking to Vyash and Aradhya Rathore. Others, please mute yourself. Yes, ma'am. Without permission, do not unmute yourself. Aradhya, bolo. Ma'am? Ma'am, Assam?
हाँ अब जाके आपको समझ में आया कि भूपेन कहाँ पे रहता है और कौन सी जगह में बैम्बू पिलर्स के ऊपर हाउसेस बनी हुई है। भव्यांश व्हाट इज योर आंसर? असम। मिल गया? थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दिया करो मैडम की, बस पता नहीं कहाँ रहते हो तुम लोग, है ना? मैम सामने है तब भी। आसाम में बैम्बू पिलर्स के ऊपर है, क्यों है? आज आराध्या भार्गव का तो हो गया एक बार, गौरव एक बार भी नहीं बोले हो। गौरव क्यों है बैम्बू पिलर्स के ऊपर आसाम में? मैम वहां पर ना बारिश, अभी जैसे पूछा नहीं तब भी। अभ्युदय प्लीज म्यूट योर सेल्फ एंड लेट गौरव अनम्यूट। गौरव ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आगे एक दूसरे बच्चे से पूछूंगी। समर्थ, समर्थ ने भी एक भी आंसर नहीं किया है। समर्थ अनम्यूट योर सेल्फ। हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स बिकॉज, समर आर यू देयर? रीड द आंसर। Summer is not reading. Okay. Aman, read the answer. Aman. वो आंसर नहीं पढ़ पा रहा भैया। हम्म? Aman. Aman is also not there. Okay. Next, Shivansh, can you read the same answer? Houses made on bamboo pillars where Bhupen lives because. Houses made of bamboo pillars where Bhupen lives because it rains heavily over there and the protect the house from animals and thieves. Okay, now last question, write the difference between a kachcha house and a pakka house. कच्चा हाउस और पक्का हाउस में क्या डिफरेंस है? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। यस कव्युद्दीन। मैम अब कच्चा हाउस हैज क्रैकलिंग एंड पक्का हाउस हैज नो क्रैकलिंग। ओके नेक्स्ट अलीना। तुम बीच में बोलते जाते हो, मुझे ऊपर नहीं उठाते हो। जो रहता है वो अलग अलग चीजों से बनता है। स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता? मैम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो। ओके आदित्य लोधा, आपको कुछ कहना है? आपने किया है? डू यू नो सम डिफरेंस बिटवीन कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस? ओके चिन्मय। हाँ बोलो बोलो आदित्य बोलो। चिन्मय वेट। मैम कच्चे हाउस से बने रहते हैं और पक्के हाउस सीमेंट से बने रहते हैं। गुड गुड वेरी गुड आदित्य। चिन्मय। मैम मैम कच्चा हाउस स्टार्स और लकड़ी से बने रहते हैं और पक्का हाउस उससे बने रहते हैं सीमेंट और ब्रिक से और लकड़ी से। यस वेरी गुड चिन्मय, वेरी गुड। नाउ चिन्मय रीड द लास्ट आंसर, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट आंसर, रीड इट लाउडली। अ कच्चा हाउस इज अ वीक हाउस मेड ऑफ बैम्बू ट्राई ग्रास लीव्स एक्सेट्रा। Where the pakka house is a strong house made of bricks, cement, iron, rods, wood, etc. Is it clear now to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stop here. We will do Shanti Path. Or कौन रुकेगा क्लास में? Mukund और चेतना, ललित। अगर आयुष है तो आयुष भी रुकेगा, अंकित है तो अंकित भी रुकेगा। चार पांच बच्चे रुकेंगे, उनसे दो मिनट के लिए बात करूंगी। अंकित, चेतना, मुकुंद को तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया तो मुकुंद छोड़ सकता है क्लास। चेतना, अंकित, ललित, मैम मेरे मार्क्स, तीन बच्चे रुके।
अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बताती हूँ, तुम भी रुक जाना 2 मिनट, हम शांति पाठ कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारे मार्क्स किसी और को पता ना चले। सिद्धि तुम भी रुक जाना, तुम्हारा भी ईमेल मुझे वापस आया है। शिवांश तुम्हें भी रुकना पड़ेगा अगर तुमको ईमेल नहीं मिला तो, ठीक है? शिवांश, सिद्धि, भव्यांश, ललित, चेतना और ये कौन है, आयुष, अंकित, इतने बच्चे रुकेंगे, ठीक है? अदर्स कैन लीव आफ्टर द शांति पाठ। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। किसने कंप्लीट किया है, किसने नहीं किया, आज भेजूंगी मैं क्लास व्हाट्सएप पे। ओके मैम, आप जल्दी से मीटिंग। हाँ यू कैन लीव।